बात में खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अक्षय बम और उनके पिता का गिरफ्तारी वारंट जारी कर गिरफ्तार कर कोर्ट में करना होगा पेश। पिता पुत्र को आज ही कोर्ट में पेश होना था तो अक्षय कांति बम ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। अक्षय कांति बम ने 10 दिन का बेड रेस्ट होने की बात उन्होंने कही थी और उसके बाद देखिए अब ये वारंट जारी हो गया है। 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर इनको कोर्ट में पेश करना होगा। वारंट जारी हो गया है, आज ही उनको कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो नहीं हो पाए। उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला दिया, 10 दिन का बेड रेस्ट होने की जानकारी भी उन्होंने सामने रखी। तो 8 जुलाई तक अब गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अक्षय कांति बम वही उम्मीदवार जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। जो धारा 307 आईपीसी सेशंस कोर्ट के सामने आज विचाराधीन है उसमें आरोपीगण जमानत पर नहीं है और अग्रिम जमानत भी इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है पूर्व में। उन्हें दोनों को भाग लेना चाहिए था या आवश्यकता पड़ती तो जमानत आवेदन भी प्रस्तुत करना था जिस पर न्यायालय अपना निर्णय लेती, परंतु दोनों आरोपीगण उपस्थित नहीं हुए। इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण आरोपी अक्षय बम एवं आरोपी कांतिलाल बम की ओर से प्रस्तुत माफी आवेदन अस्वीकार करते हुए दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर से अखिलेश सेन जुड़ गए। अखिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जमानत भी मिल सकती थी उनको। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो अक्षय कांति बम है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद से लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है क्योंकि पहले भी उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत लगाई थी। 307 का ये पुराना प्रकरण है और उसी में पूर्व में भी अग्रिम जमानत लगाई गई थी लेकिन वो भी खारिज हो गई थी। अक्षय कांति बम को आज 10 तारीख यानी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था लेकिन जो अक्षय बम है उन्होंने पारिवारिक हवाला दिया, साथ ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था लेकिन कोर्ट ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद 8 जुलाई तक पुलिस को एक आदेश जारी किया है कि उन्हें 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश किया जाए। यानी कि जो अक्षय बम है अब उन्हें 8 जुलाई तक पुलिस गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार कर कोर्ट पर पेश करेगी। दोनों पिता पुत्र के खिलाफ ये प्रकरण लंबित था और उसके पूर्व में भी दोनों पिता पुत्र ने इसमें जमानत याचिका लगाई थी लेकिन कहीं ना कहीं पर अब जब कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली है और अब पुलिस उन्हें पेश करेगी। फिलहाल जो फरियादी की तरफ से इनकी अग्रिम जमानत के खिलाफ भी एक अर्जी लगाई गई थी सेशन कोर्ट में लेकिन उस सेशन कोर्ट से जो अर्जी है वो भी खारिज कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।